नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे बिहार के जो CM आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो समाधान यात्रा करने निकले हैं और इस यात्रा के माध्यम से वो बिहार सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसका रिव्यू करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक मुख्यमंत्री को समाधान यात्रा करनी पड़ रही है। आखिर क्यों? क्योंकि क्या वो नहीं जानते हैं कि बिहार में कुपोषण, बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी अपने पीक पे है और इन सभी चीजों को वो कंप्लीट नहीं कर सके 17 साल पे। उनके कार्यशैली पे बड़े प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। जब भी मैं उनकी बात करता हूं तो लोग ये कहने लगते हैं कि आप नीतीश कुमार के बड़े विरोधी हैं। तो सर, मैंने हमेशा से कहा है कि क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में रहेगा, क्या वो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या बिहार में बैठी नीतीश कुमार जी की सरकार हो। सर, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस यात्रा में जो CM ने निकाली है उसमें ये फोर जनवरी से ये यात्रा शुरू हुई है और 7 फरवरी तक ये प्रस्तावित है। यात्रा 7 फरवरी तक प्रस्तावित है। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री को, मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी को क्या ये जानकारी नहीं है कि बिहार में भुखमरी और बेरोजगारी और जो पूरा स्टेट है बिहार, इसकी जानकारी उनको नहीं है क्या? उनके अधिकारियों ने इसकी जानकारी उनको नहीं दी है क्या? नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं दिखाई है? सब कुछ दिखाया है गया है दोस्तों ऑलरेडी बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। दोस्तों, आज बिहार में अगर सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों तो बाढ़ की एक समस्या है। बाढ़ के नाम पर करोड़ों का और अरबों का घोटाला होता है। आज तक उससे निजात क्यों नहीं दिला पाए? ये 17 सालों से साहब मुख्यमंत्री हैं, 17 सालों से साहब मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, बिहार के बच्चों की पढ़ाई कहां होगी? वो क्यों नहीं बाहर जाएंगे? बिहार में पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या ये नीतीश कुमार जी नहीं जानते हैं? वो सब कुछ जानते हैं दोस्तों, सब कुछ जानते हैं कि बिहार में क्या समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी समाधान यात्रा के माध्यम से, मेरे अनुसार इनकी जो ये समाधान यात्रा है, ये केवल और केवल जो एक पूर्ण रूप से पॉलिटिकल यात्रा है और अपनी PM बनने की महत्वाकांक्षा जो ये पाले हुए हैं उसको पूरा करने निकले हुए हैं। दोस्तों, हम आज ये बात करेंगे कि अगर जब साहब यात्रा पे निकले हुए हैं तो बिहार में दो इनकी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी और बिहार के गुड गवर्नेंस के लिए हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड्स डिप्राइव्ड क्लासेस जो है उनके डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ साथ बिहार में बेसिक एमेनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी समस्याओं के लिए इनके द्वारा एक 7 निश्चय योजना चलाया गया था साल 2015 से लेकर के साल 2020 तक। निश्चय फर्स्ट चलाया गया और अब उसके बाद से दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2025 के बीच में 7 निश्चय 2 चलाया जाएगा। दोस्तों, हम इसमें बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब यात्रा पर निकले हैं तो इनके द्वारा जो ये योजनाएं चलाई गई हैं, 7 निश्चय फर्स्ट योजना, उसके द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, उस योजना में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं जो कि स्टेट्स में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, फुटपाथ, ड्राइनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, और सबसे बड़ा कि एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर के स्कीम्स जो चलाए गए हैं उसमें ये माना जाता है कि 7 निश्चय योजना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही, मतलब, मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वाकांक्षी जिससे बिहार में खुशियां आ सके, लोगों के जो चेहरे हैं वो खुशियों से खिल उठे और जो सोशल और वंचित लोग हैं उनके तक विकास की बात को पहुंचाना, उसके अंतर्गत 7 निश्चय योजना में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है दोस्तों। और मिशन मोड पे चलाया गया है। जब मुख्यमंत्री जी निकले हैं तो इसका पुनरावलोकन वो जरूर करें, तब मालूम चलेगा कि किस तरीके से अधिकारियों, ठेकेदार और नेता तीनों मिलकर के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत केवल और केवल लूटने का काम किया गया है बिहार को।
केवल और केवल लूटने का काम किया गया है। सब कुछ बाबुओं ने कागजों पे कर दिया है। ग्राउंड पे आप जाएंगे तो नल जल योजना चाहे जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं वो आपको ग्राउंड में नहीं मिलेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सेवन निश्चय फर्स्ट योजना के अंतर्गत कितनी सारी योजनाएं जो है राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई है। तो सबसे पहला है सेवन निश्चय फर्स्ट योजना में, पहली योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां निर्माण, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़ाएं, आगे पढ़ाएं। ये सेवन निश्चय योजना के अंतर्गत ये सेवन स्कीम चलाई गई है बिहार की सरकार की तरफ से। मैं दोस्तों जरूर कहूंगा नीतीश कुमार जी से कि इसका पुनरावलोकन वो जरूर करें, अपने प्रत्येक जिले में वो घूमेंगे ही, अभी शुरू में 18 जिले वो घूमेंगे, तो 18 जिलों में इसमें जाकर के देखें और पता चलेगा तब साहब को कि कितनी बड़े स्केल पे करप्शन हुआ है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है, सभी कुछ कागजे पे हो गई है। उसके बाद दोस्तों निश्चय आर्थिक हल युवाओं का बल के अंतर्गत जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम। इसके अंतर्गत 4 लाख जो 12th पास बिहार के लड़के हैं और लड़कियां हैं उन्हें, जो 20 से 25 साल तक हैं उन्हें ये 4 लाख इस स्कीम के अंतर्गत 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय स्वाभिमान सहत भत्ता योजना, ये जो भत्ता योजना दिया जाता है युवाओं को वो इसके अंतर्गत मिलेगा। कौशल युवा प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो 10th पास बच्चे हैं उनको बेसिक कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार में 2016 में दोस्तों एक एक्ट बनाया गया, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2016। इसके अंतर्गत बिहार में जो बच्चे हैं 10th पास हैं उन्हें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्लास्टिक रबर लेदर आदि में रिन्यूएबल सर्विसेज इस समय टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए ये योजना बनाई गई दोस्तों। उसके बाद से फ्री वाईफाई फैसिलिटी इन ऑल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में फ्री वाईफाई दिलवाने की बात इस स्कीम में की गई थी दोस्तों। मैं क्या ही कहूं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, आप जाकर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में देखें क्या वाईफाई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, केवल और केवल ये सब झूठा दिखावा है और उस स्कीम के नाम पर करोड़ों का घोटाला है और कुछ नहीं है। उसके बाद से निश्चय सेवन निश्चय में ही आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसमें 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब में। निश्चय हर घर बिजली, बिहार में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी हर घर तक प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना चलाई गई। मैं यही कह रहा हूं दोस्तों कि जो भी योजनाएं मुख्यमंत्री जी की तरफ से चलाई गई है एक बार इसका हाल वो देख ले और पुनरावलोकन कर ले कि क्या है इसकी कंडीशंस। इस वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है दोस्तों। उसके बाद से बनाया गया हर जो स्कीम है हर घर नल जल, इस योजना का तो दोस्तों मैं क्या ही कहूं, ये तो बहुत बड़े स्केल पे इसमें करप्शन हुई है, बहुत बड़े स्केल पे, आप सोच नहीं सकते हैं कि बिहार में इसमें कितने बड़ा स्केल पे जो है हुआ है करप्शन। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, उसके बाद से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में जो पानी की ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है उसके अंतर्गत ये उसमें इसे सुदृढ़ करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। मुख्यमंत्री ग्राम पेयजल योजना, इसमें भी 25,582 ड्रिंकिंग वाटर जो है इंस्टॉलेशन की गई है इस योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, निश्चय घर निश्चय इसी सेवन निश्चय के ही है, हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली योजना। ये देखिए कितनी सारी योजनाएं चलाएंगे, एक बार उसका वो पुनरावलोकन करे गांव में घूम करके तब मालूम चलेगा कि कहां पे है बिहार और कहां पे है ये सब कुछ। उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी नली गली निश्चय योजना, निश्चय शौचालय निर्माण घर का सम्मान, अंडर दिस निश्चय प्रोविजन ऑफ द टॉयलेट इज एवरी हाउस टू मेक इट बिहार फ्री ओपन डिफिकेशन फ्री हेल्दी एंड क्लीन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑल हाउस होल्ड एंड स्टेट अप्रोक्सीमेट 1.68 टॉयलेट। इन्होंने ये कहा है कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने 1.68 जो है टॉयलेट्स का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत निश्चय अवसर बढ़ाएं आगे पढ़ाएं, इसके अंतर्गत बिहार में 1 GNM स्कूल एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 नर्सिंग कॉलेज इन ऑल मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट,
वन एएनएम कॉलेज इन एवरी सब डिवीजन, वन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एवरी सब डिवीजन, फाइव मोर न्यू मेडिकल कॉलेजेस इज ऑफ स्टेट। दोस्तों ये देख रहे हैं आप कितनी सारी योजनाएं चला करके और इन सारे स्कूल्स का और कॉलेजेस का और पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराने की बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल है कि इन सारे कॉलेजेस में, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में टेक्निकल बंदों की आवश्यकता होगी, जो आपके पास आपके हॉस्पिटल्स में नहीं है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, कुछ क्वालिटी के नाम पे नहीं है, आपके पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, ना कोई टेक्निकल आपके पास प्रोफेसर्स हैं, तो आखिर इसका योजना, इस योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन जो आपकी तरफ से हुआ गया है वो क्या किया गया है, ये भगवान मालिक है। इसके साथ साथ दोस्तों सेवन निश्चय टू योजना भी चलाई गई है 2020-25 में। मुख्यमंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से ये भी आग्रह है कि वो इसका भी पुनर्विलोकन करें और तब मालूम चलेगा उनको कि आपके बिहार में कुछ नहीं हुआ है, क्यों आप यात्राएं करते रहे, यात्राओं से क्या हो जाएगा दोस्तों, यात्राओं तो बस पॉलिटिकल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए है। बाकी आप क्या मानते हैं दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।